देखिए अब कैसे पानी भरा पड़ा है यहाँ पे कूलर। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड एक और अच्छा काम कर दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो, अभी पॉज करो और अभी सब्सक्राइब करो जल्दी गाइज जल्दी। सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाथ जोड़ के, एक हाथ से एक हाथ से ब्लॉगिंग पकड़ रहे हैं हाथ जोड़ के। सो अभी पॉज करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो फिर वापस आओ। आ गए, सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू। सो चलते हैं। तो अभी हम फुजेरा आए हैं, आपको बताया था रोड ट्रिप पे जाएंगे, आज फुजेरा निकले थे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा रहा था। और अगर आप दुबई आओ और ऐसा मौसम हो तो फुजेरा ज़रूर ट्रिप मारो, क्योंकि ये वन ऑफ द हिल स्टेशन टाइप प्लेस है। एंड पीछे आप व्यू देखो, वो देखो कैसे बादल इतने नीचे आए हुए हैं पूरे। ये जो फैक्ट्री है ये सीमेंट फैक्ट्री है, और ये देखो आप क्या व्यू आ रहा है, ये फैक्ट्री दिखाते। ये अमन ने रोड पर गाड़ी रोकी है अभी, मतलब पूरे बादल पूरे बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, और ये पूरा अभी भी मौसम पूरा बारिश का हो रखा है। सो कभी आओ फुजेरा तो ज़रूर विजिट करो इस जगह। मतलब वो पूरे उससे जबल जेस माउंटेन है, वो रासल खेमा का माउंटेन है, उसके पीछे फुजेरा आता है। तो अभी मतलब विजिबिलिटी बहुत कम है, और ऐसे यहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पे लोग आपको बैठे हुए मिल रहे हैं, चिल मारते हुए मिल जाएंगे। आगे डिब्बा करके है एक छोटा टाउन टाइप, तो उधर उस तरफ चलेंगे अभी। चले ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेली बारिश होती है तो ऐसा पानी भर जाता है। अब यहाँ पे तो पानी निकालने के लिए गाड़ी आ रही है, यहाँ पे बारिश रेली होती है ना तो ऐसा पड़ जाता है। तो अभी देख सकते हो गाड़ी है ना, तब से पानी निकालेंगे करते हैं, फंस गया है, पानी जमा हो गया ऐसे। तो सर्विस दे सकते हो फास्ट। अभी अपन डिब्बा ददना में आए हैं, और ये पूरा पूरे पीछे आप मेरी तरफ देख रहे हो, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, और पूरे घर वर, और ये छोटा सा टाउन टाइप है। और ये जो पीछे है बिल्डिंग है, ये स्कूल है। और अभी मैं शॉप्स के यहाँ पे खड़ा हूँ, छोटी सी मार्केट है यहाँ पे पूरी, और थोड़ी अंदर की साइड भी एक दो शॉप्स और है। मतलब ये पूरा एक तरीके से फुजेरा का टाउन बोल सकते हो या विलेज टाइप बोल सकते हो, वो एक छोटा सा गाँव है ये। मतलब वहाँ डेवलप है फुल्ली, देख लो आप रोड देख लो ऐसे। मतलब आप दुबई में हो तो दुबई के गांव भी ऐसे ही होते हैं। अभी ये छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे आ जाते, और पीछे मेन रोड है जिधर से अभी अपन आए हैं, वो मतलब आपको वहाँ से फुजेरा जाना है और डिब्बा जाना है, रासल खेमा जाना है, तो वो रोड कहता है। बाकी ये छोटा सा गाँव है। सो कुछ खाने पीने, पेट पूजा करना है, भूख लग रही थी। गाइस अभी अपन फुजेरा मतलब मुरब्बा मार्केट में आए हैं, ये भी फुजेरा में ही आता है। और ये पीछे यहाँ रोड है, यहाँ से पीछे जितने भी है, यहाँ से उस साइड डिब्बा पड़ेगा, इस साइड फुजेरा पड़ेगा, मेन फुजेरा मार्केट वो है। और ये मुरब्बा मार्केट है, ये भी एक तरीके से छोटा सा सिटी है मतलब। और ये यहाँ पे भी है, तो ये पीछे सुपर मार्केट है, यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान था और जूस वूस चाहिए थे, उसके लिए लेने आए। सो
300 और पीछे मस्जिद है एक अच्छा सा। ये रोड है अभी मतलब फुजेरा में मतलब हमेशा थोड़ा थोड़ा वेदर डाउन रहता है, पर गर्मी के टाइम गर्म रहता है मतलब। हाँ एज़ कम्पेयर टू दुबई 1-2 डिग्री कम ही रहता है यहाँ पे, बट हाँ अच्छी जगह है अगर विजिट करना चाहो आउटर एरिया में। यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है स्नूपी आइलैंड, वहाँ पे आपको अच्छी खासे मतलब वो एक्टिविटीज़ हो जाएगी, मतलब आपको बोटिंग चाहिए वो मिल जाएगी एंड क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं ना वो मछली वछलियों से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, आदमी आ रहा अरे वही जिसमें पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, स्कूबा डाइव, स्कूबा डाइव भी हो जाएगी स्नूपी आइलैंड पे। वो अपना डिब्बा के बाद पड़ता है स्नूपी आइलैंड, अभी रात का टाइम था तो उधर वो बंद हो जाता है तो वह जाने नहीं देते, आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी जैसे प्लेटिनियम लिस्ट पे मिल जाएगी या बहुत सारी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन साइट्स है उन पे मिल जाएगी आपको। बस स्नूपी आइलैंड पे भी आप कभी विजिट कर सकते हो। और हाँ वहाँ से ओमान पड़ता है कसब, जो अपन ने ओमान बॉर्डर की आपकी वीडियो देखी होगी उधर कसब पड़ता है, कसब में आप जा सकते हो। कसब में अच्छा खासा आपको टूर पैकेज मिल जाएगा एक दिन का, अगर आपको चाहिए तो आप कसब भी टूर मार सकते हो, अपन एक दिन ट्राई करेंगे कसब जाने का। सो आज घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा आज कई बार व्लॉगिंग करने निकलते हैं, और मौसम भी प्यारा हो रहा था तो सो आ गए हम फुजेरा रोड ट्रिप के लिए। अभी बोर हो रहे हैं क्या करें। सो बाय द वे अभी अपन मिरब्बा में है और देखते हैं यार चाय वाय पीते हैं, चाय नहीं मिलती और चाय वाय जूस वूस लेते हैं देखते हैं, जब तक चाय नहीं मिलती तब तक मज़ा ही नहीं आता यार। लाइक करो जिस जिसको चाय पसंद है, लाइक करो जिस जिसको मतलब चाय एक एनर्जी है, मतलब एनर्जी की एनर्जी ड्रिंक है इंडियंस के लिए। मेरे को तो बेड टी चाहिए होती है, नींद में से उठते मेरे को पहले चाय चाहिए होती है फिर मैं बाकी काम करता हूँ, बाकी काम मतलब बाकी सब काम पहले चाय चाहिए। हाँ ब्रश पहले करता हूँ क्योंकि दांत खराब हो जाते हैं और टेस्ट नहीं आता चाय का वैसा मज़ा वाला, पर चाय ज़रूरी है गाइस, चाय मेरी लाइफ है लाइफ, चाय। जिस जिसको चाय पसंद है वो लाइक करो वीडियो और कमेंट करो चाय चाय ठीक है। और आज बारिश इतनी पड़ी है मतलब अब तक की सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश और अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश अभी तक की, मतलब मेरे को 3 साल हो गए दुबई में, मतलब पहले भी मैं रह चुका हूँ दुबई में 2-3 साल, पर अब तक की सबसे तेज़ बारिश पड़ी है भाई लोग, मतलब कंटिन्यू बारिश पड़ रही है बंद ही नहीं हो रही। वैसे 1 घंटा या 2 घंटा पड़ के बंद हो जाती है बट अब जाके बंद हुई है, मतलब 6-7 घंटे के बाद बंद हुई है बारिश, मतलब कंटिन्यू बारिश थी और बहुत सारे रोड जाम हो गए। और अभी कई कई जगह तो मतलब बता वीडियोज़ देखी थी मैंने कि वो बन रहे क्या बोलते हैं झरने चालू हो गए, छोटे छोटे झरने मतलब छोटे 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 छोटे, तो बस मतलब ठीक है यार। अभी चाय बन रही है, चाय आएगी, चाय का वेट कर दे, चाय 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 भी नहीं है, चाय चाय तो ज़रूरी है भाई। कमेंट किया कि नहीं किया कि चाय पसंद है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो अभी करो करो ना यार, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो चाय पसंद है तो सब्सक्राइब करो प्लीज़ ज़रूरी है। हाँ अगर आप दुबई आते हो या कहीं भी मतलब यूएई में कहीं भी घूमने आते हो तो अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो मलबारी पराठा ज़रूर खाना, मतलब आपको कोई भी केरला की टाइप के रेस्टोरेंट में ये पराठा आप बोलोगे उनको पराठा तो वो पराठा देंगे, लच्छा पराठा टाइप से होता है बहुत टेस्टी होता है, उसके ऊपर नमक मिर्ची और हॉट सॉस, यहाँ पर हॉट सॉस को ताकूस बोलते हैं, ताकूस डाल के और नमक मिर्ची डाल के खाना, मैं तो ऐसे खाता हूँ, और उस सास के साथ में चाय भाई मज़ा आ जाएगा। अगर आप काली मिर्ची डाल के और नमक बोला था क्या मैंने पहले मालूम नहीं, अगर काली मिर्ची और ताकूस डाल के खाना, और काली मिर्ची अगर आप डालते हो और उसमें पराठे में और चाय, बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा, कॉम्बिनेशन है हाँ जैसे मज़ा ही आ जाएगा, तुम टेस्ट करके देखना एक बार मेरी मानो प्लीज़। अभी मेरा वही आ रहा है तो वो खाएंगे फिर चलेंगे। इधर देखो खुलेआम वेनिस बन गया पूरा, देखो कि साइकिल कितनी डूबी पड़ी है, कम से कम आधा टायर डूबा पड़ा है। सो गाइस अभी अपन यहाँ पे रुके हैं, ये फ्रूट मार्केट है पीछे पूरी, ये पूरी फ्रूट मार्केट है यहाँ से पूरी वहाँ तक, मतलब अब ये थोड़े थोड़े गैप में आपको ऐसी मार्केट मिलती रहेगी फ्रूट मार्केट। ये पीछे हाईवे है और ये जाता है वहाँ पे, मतलब ये दुबई जाता है रोड और रसल खेमा जाता है, तो अभी अपन रसल खेमा चलेंगे, मेरा घर वहाँ पे है तो ये आपको पूरी वहाँ पे वहाँ तक फ्रूट मार्केट मिलेगी। अपन ने अभी अंगूर लिए हैं थोड़े कुछ खाने में,
भूख लगती रहती है मेरे को, भुखड़ हूँ मैं, तो बस चलेंगे अभी। तो बस मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब कर दो। टाटा, गुड नाइट, बाय बाय गाइस। Thank you.